हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज़, मैं हूँ डॉक्टर शिखा। गाइज़, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है हमारा बॉटल गार्ड लेंटिल सूप। गाइज़, सूप जो होते हैं ना वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं फॉर वेट लॉस। स्पेशली अगर मैं अपने वेट लॉस की बात करूँ तो मैंने अराउंड 50-55 kgs वेट लॉस किया है और मेरे वेट लॉस में सूप्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैंने सूप्स बहुत इंक्लूड करे हैं अपने डाइट में, स्पेशली अपने डिनर टाइम में, और उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दिया है। और अगर मैं अपने क्लाइंट्स को भी उनके डाइट में ये देती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब इफेक्ट दिखाते हैं वो उनके वेट लॉस पे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इनोवेटिव सा और बहुत ही यूनिक सा एक सूप लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, प्रोटीन रिच है। तो आज हम बनाएंगे अपना बॉटल गार्ड लेंटिल सूप। कैसे बनाना है उसको चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ ना। सूप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है येलो मूंग दाल, जिसको हम येलो स्प्लिट ग्राम भी बोलते हैं। अराउंड 1/4 कप है ये। इसको मैंने वॉश कर लिया है और अराउंड 20 मिनट्स के लिए इसको मैंने सोक कर दिया था पानी में। अब यहाँ पे मैंने ले ली है मसूर दाल, जिसको हम रेड लेंटिल भी बोलते हैं। इसको भी मैंने 20 मिनट सोक कर दिया था पानी में अच्छे से वॉश करके। दोनों दालों को कुकर में डाल दिया है, कुकर को गैस पर रख दिया है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गार्लिक क्लोव्स यानी कि लहसन। ये हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर के केसेस के लिए बहुत अच्छा है और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करवाता है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जिंजर, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करवाता है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक टमाटो जो है उसके अंदर लाइकोपीन होता है, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाता है और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बॉटल गार्ड घिया या लौकी, जिसको हम बोलते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर रिच होती है। अब थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ इसके अंदर मैं, बहुत ही थोड़ा। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है। अब थोड़ा पानी डाल देंगे इसके अंदर। अब कुकर को कर देंगे हम बंद, इसकी लिड लगा देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे अराउंड 3 to 4 विसल्स आने तक। अब 3-4 विसल्स आ गई हैं हमारी और स्टीम जो है वो निकल गई है। अब कुकर को हम खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या हाल है हमारे सूप का। तो बहुत अच्छे से सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे कुक हो गए हैं और अब इसको हमें सिर्फ ब्लेंड करना है और हमारा सूप हो जाएगा फिर बिल्कुल रेडी। तो यहाँ पे मैं हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं हो घर पे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसको ठंडा करिए और इसको एक मिक्सर ग्राइंडर में आप ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो इसको गरम गरम ही हम लोग ब्लेंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 मिनट्स लगेंगे। सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। आप चाहें तो उसके बाद आप इसको सीव भी कर सकते हैं, इसको छान सकते हैं, बट ये मुझे ऐसे ही पसंद है, मैं इसको छानना प्रेफर नहीं करती। तो ये ऑलमोस्ट हमारा ब्लेंड हो गया है सूप एंड दैट्स इट, बिल्कुल रेडी है ये। बस मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही है, थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको एक बार हम बॉयल कर देंगे। तो ये बॉयल इसमें आ गया है। अब गैस को यहाँ पे ऑफ कर रही हूँ मैं और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ, काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे लेमन जूस डाल रही हूँ। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। और जो लेमन हमने इसमें डाला है, जो विटामिन सी रिच है, वो दाल के आयरन को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अब इसको सर्व कर देते हैं हम और ये हमारा सूप बिल्कुल रेडी है। आप इसको गर्मा गर्म सर्व करिए, तभी तो मज़ा आएगा। आप इसको ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में किसी भी मील में ले सकते हैं। प्रोटीन रिच है, फाइबर रिच है, सुपर्ब वेट लॉस देगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और क्या चाहिए। तो ये था हमारा बॉटल गार्ड लेंटिल सूप। बहुत ही क्विक एंड बहुत ही इजी है, बहुत डिलिशियस लगता है। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट या फिर लंच या डिनर में ले सकते हैं। मैं मोस्टली इसको अपने डिनर में यूज़ करती हूँ। पूरा एक बड़ा बोल आप इसको ले सकते हैं। बहुत अमेजिंग वेट लॉस देगा आपको, बहुत न्यूट्रिशियस है। स्पेशली मैं अपने उन क्लाइंट्स को ये देती हूँ जो मोस्टली कोल्ड कंट्रीज़ में रहते हैं, जैसे कि कैनेडा या US के कुछ पार्ट्स या यूरोप के कुछ पार्ट्स में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड ठंड रहती है तो उनको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, उनकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि बहुत ठंडा मौसम रहता है तो एक गर्मा गर्म बोल ऑफ सूप मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। तो ये सूप उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है वेट लॉस में। मॉनसून का सीज़न हो या फिर विंटर सीज़न हो, आपको बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी देता है। फाइबर रिच है ये, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, बहुत ज़्यादा वेल हाइड्रेटेड रखता है आपको और वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दाल की। दाल जो होती है एक बहुत ही अमेजिंग प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। अगर हम 100 ग्राम्स दाल की बात करें तो इसमें होते हैं अराउंड 20 ग्राम कार्ब्स, 10 ग्राम्स इसमें प्रोटीन होता है और अराउंड 6 ग्राम्स इसमें फाइबर होता है। तो इसमें प्रोटीन और फाइबर का कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। तो ये प्रोटीन रिच होती है, आपको बहुत देर तक फुल रखती है, सेशिएटेड रखती है, भूख नहीं लगने देती। और क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं आने देता। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपके बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करके ये बाहर निकाल देता है। और इवन अगर हम घिया या लौकी की बात करें तो उसमें भी फाइबर का कंटेंट काफ़ी अच्छा है। तो ये जो डिश है, ये जो सूप है, काफ़ी फाइबर रिच है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स में या फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स में, और आपके डाइजेशन को काफ़ी अच्छा रखती है। और अगर हम बात करें दाल की तो ये आयरन रिच है, फोलेट रिच है। तो अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस डिश को आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आयरन रिच है, तो अगर आपको हीमोग्लोबिन आपका लो रहता है तो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। दाल के अंदर बी विटामिन्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होते हैं और इसके अंदर होते हैं फाइटोकेमिकल पॉलीफिनॉल, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और आपकी बॉडी से हार्मफुल सेल्स को यानी कि फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालते हैं और बहुत सारी बीमारियां होने से आपको बचाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इम्यूनिटी बनाता है आपकी बॉडी में और आपको प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे डिजीजेस से। जो हमारा घिया या लौकी है वो मेरी फेवरेट वेजिटेबल है, क्योंकि वो वेट लॉस के लिए सुपर्ब है। मैं बहुत ज़्यादा इंक्लूड करती हूँ अपनी खुद की डाइट में, अपने क्लाइंट्स की डाइट में। 92% जो होता है वो घिया या लौकी में पानी होता है, तो बहुत हाई इन वाटर होता है ये और आपको वेल हाइड्रेटेड रखता है। डिहाइड्रेशन नहीं होने देता, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, क्योंकि फाइबर रिच होता है। विटामिन सी और विटामिन के इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी अच्छे से ये इम्प्रूव कराता है। तो ये सूप आप अपने डाइट में इंक्लूड करिए, आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। ये आपको बीमार पड़ने से बचाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं आने देगा, आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स को इम्प्रूव कराएगा और प्रोटीन में बहुत अच्छा है, तो आपको बहुत देर तक फुल रखेगा, आपके बॉडी से फैट लॉस करवाएगा और आपको बहुत अच्छा वेट लॉस देगा। तो पूरा एक बोल आप अपने किसी भी मील में इसको ले सकते हैं और ये आपको बहुत अमेजिंग वेट लॉस देगा। तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ मुझे ज़रूर फॉलो करिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से उसको करिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ फॉर वेट लॉस मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ, जो आपको देंगी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।